मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हम लोग लेक्चर थर्ड में, हाँ जी, हम लोग अब लेक्चर थर्ड की बात करेंगे। वहां पर हम लोग कुछ यदि किस टाइप के क्वेश्चन को देखे थे। हम लोग वहां पर देखे कि जस्ट लाइक यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एच सूचा साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 - x2। याद पारो क्या इससे पहले वाली क्लास में इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे? कुछ याद आ रहा है आपको? सोचो तनिक, क्या हम लोग इससे पहले वाली क्लास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए थे कि नहीं बनाए थे? क्या आपके दिमाग में कुछ तो याद आ रहा हो भैया जी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ तो याद आ रहा होगा। क्या इससे पहले वाली क्लास में इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखे थे? हाँ भैया जी, बिल्कुल सीखे थे। मजा तो आ गया था बनाने में। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक चीज, इस दोनों में आखिर किसको लें? जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है और ये टर्म है। अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को ले और उसका डिफ्रेंशिएट करें तो मेरा ये टर्म आ जाएगा। अब आसानी से वहां पर इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन इन सारे चीज में एक चीज कॉमन था, वो था फॉर्मूला दिमाग में रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इस पर तभी आपका कमांड होगा जब फॉर्मूला आपके कमांड में रहेगा। फॉर्मूला आपसे मतलब आपसे अगर फॉर्मूला दूर चले जाएगा तो फिर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन संभव ना हो पाएगा। अभी कहाँ कुछ, 4 लेक्चर हुआ है, मात्र 4 लेक्चर हुआ है, अभी काफी कुछ सीखना है। लेकिन समय को देखते हुए हम 2, 3, 4 लेक्चर और करेंगे, उसके बाद जो कि आपके काम का। फिर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक बताऊंगा, और किसी भी तरह जितना मेहनत आप करोगे, मैंने कहा था ना जितना मेहनत आप करोगे उससे दुगना मेहनत मेरा रहेगा, ध्यान में रखना। और इंटीग्रेशन समझ में आना ना आना ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। जितना आपका मेहनत उतना अच्छा ही समझ में आपको आएगा, ठीक है? अजित, मैंने पहले ही बोल दिया है, जितना आप मेहनत करोगे ना उससे दुगना मेहनत आपका भाई करेगा, इतना ध्यान में रखना आप छोटे। ठीक, अगेन बस आप मेहनत करो। अब यहाँ हम सोचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। यदि फॉर्मूला तो दिमाग में रखना ही रखना है, आखिर इसको रखने के लिए क्या करें? कुछ फॉर्मूला पहले देख लो, कुछ नया नया फॉर्मूला है, पहले इसको दिमाग में रख लो, उसके बाद हम लोग फिर से फॉर्मूले का रिविजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। काफी कुछ है सीखने के लिए, बस आपको हिम्मत रखना है, बस आपको हिम्मत रखना है और मेहनत लगाना है, दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है? अगर यहाँ ध्यान दो, अगर इंटीग्रेशन रहे भैया जी, रहे इंटीग्रेशन 1 बटे, अच्छा भैया जी एक बार बताइए, 1 बटे रूट अंडर 1 - x2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बटे रूट अंडर इसका इंटीग्रेशन तो भैया बता दिया, x(x)2 - 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बटे 1 + x2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी? ये सब बताइए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। जानते हो आप, वैसे हम लोग कुछ ऐसा ऐसा फॉर्मूला देखने वाले हैं जिसको देख करके मजा आ जाएगा, बस मजा आने वाला है। किस तरह का फॉर्मूला देखो, ध्यान पूर्वक इस फॉर्मूले को देना है आपको, ध्यान से देखो। x² - a² x² + a² और 1 बटे a² - x² क्या कुछ समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले में भैया जी? बस ये फॉर्मूला मुझे दिख रहा, बाकी सब कुछ तो ऊपर ऊपर से जावत है, ध्यान देना यहाँ पर। ये फॉर्मूला आप देखोगे तो नीचे में है √√1 - x², तो याद पारो, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, साइन इनवर्स एक्स दिमाग में आ रहा है। हाँ भैया जी, हम लोग डिफरेंशिएट में देखे थे, लेकिन अभी दिमाग से निकल चुका है मेरे, हम कहाँ कल है, कुछ समझ में ना आते। अरे कोई नहीं, सवाल बनाते चलेंगे, समझ में याद आ जाएगा। और ना आप डेली रिविजन करोगे ना 10 दिन, आपके दिमाग में बैठ जाने का ये सब चीज। बाहर एक्स है, अंदर में क्या है, √√x² - 1। हम सोचत है आखिर ये किस में था, ये तो आपका sec इनवर्स में था। हाँ जी, अगेन अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो cosec इनवर्स हो जाएगा क्या? हाँ भैया जी बिल्कुल सही। अगेन ये किस में था, नीचे में 1 + x² है भैया जी, क्या करें, ये तो हमारा tan इनवर्स x का था, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये आपका tan इनवर्स x + c। अब यहाँ अपना शैतानी दिमाग लगाओ, आखिर 1 बटे x² - a² हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं क्या? जहां पर x² - a² रहेगा, हम लोग जानते हैं a² - b² a - b (a+b), जानते हो ना? तो यहाँ पर x - a (x+a) इस फॉर्मूले को इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। हाँ भैया जी, लिखने से क्या फायदा, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log, सब हमें 1/2a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? सिर्फ इसमें 1/a से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसको दिमाग में रखना। 1/2a log क्या है, x - a, तो x - a/(x+a) + c, ये है इसका फॉर्मूला। अच्छा जब बनाते चलोगे ना तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, आप घबराओ मत। यहाँ पर क्या है, a² - x² तो यहाँ क्या होगा, इसमें भी आपको 1/2a देना है, लेकिन वही करना है log, यहाँ a - x है, मतलब a² - x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग भैया जी, a - x (a+x) बस वही फंडा यहाँ पर करना है आपको।
यहाँ से a माइनस एक्स नीचे में आएगा और a प्लस एक्स ऊपर में आएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपना सारा ध्यान आपको यहाँ पर लगाना है। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो x माइनस से ऊपर गया, x प्लस से नीचे गया, लेकिन जैसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो आपका a प्लस एक्स ऊपर a माइनस एक्स नीचे, देखो इसको दिमाग में रखना होगा। कभी कभी एग्जाम में आता, ज्यादातर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसे ध्यान में रखना। अगेन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होगा पता है आपको? नहीं भैया जी ना पता है। अरे देखो ना यहाँ पर क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर था तो टेन के फॉर्म में था, यहाँ सेम फंडा है, वन की जगह पर ए स्क्वायर है, मतलब वन प्लस ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्म में, मतलब टेन तो इसमें आएगा, लेकिन भैया टेन आएगा तो टेन कैसे आएगा, तो वन बटे ए के फॉर्म में आएगा, कुछ हल्का मचाते हुए आएगा, वन बाय ए तो आ गया, अगेन टेन इनवर्स भी आ गया, एक्स भी आ गया, लेकिन यहाँ ए है, ए को क्यों जान दे, एक्स बटे ए प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो दिमाग में रखना है, वरना हम लोग रिविजन जब करेंगे ना सारे फॉर्मूले का अच्छे से रिविजन करते चलेंगे, आप बस डेली इसको पढ़ना। अच्छा जी, कभी कभी आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखता होगा, या कैसा फॉर्मूला तनिक मुझे भी दिखाइए, हम भी देख ले तनिक इस फॉर्मूले को, ये दिख रहा है ना, इसी को रूट हंड्रेड में कर लिया, ऊपर देखो तनिक, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो क्या है, वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग रूट के अंदर ले ले तो क्या होने वाला, काफी आपको दिखेगा ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में, आप ध्यान से देखोगे तो, अगर इसमें अगर रूट अंडर रहेगा तो क्या होगा भैया जी, क्या होने वाला है, कुछ तो लोचा होने वाला है, इसका तो बेहतरीन ट्रिक है, इतना अच्छा ट्रिक है ना, मन खुश हो जाने वाला आपका, अगर समझ में नहीं आ रहा बस आपको लिख लेना और डेली रिविजन करना, बाकी तो मैं हूं ना, बस मेहनत करो आप, अभी तो मेहनत भैया जी काफी करना पड़ रहा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, इसलिए मैंने कहा था पहले मौज करोगे तो अभी मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दो, वन बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस फिर इसमें रूट लगा हुआ है, फिर इसमें रूट लगा हुआ, भैया जी रूट लगा है तो क्या करें, सीधा ये जो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है दिख रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लॉग के अंदर कर देना, लॉग ध्यान से देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस क्वेश्चन को एक्स में जोड़ देना है, इस क्वेश्चन को एक्स में जोड़ दो, एक्स प्लस इस क्वेश्चन को जोड़ो, क्या है जैसे जो हो बहु क्वेश्चन को लिख दो, क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस बन गया, हम लोग क्या किए लॉग एक्स प्लस इस क्वेश्चन को हो बहु लिख दिए, बस काम खत्म। हाँ भैया जी मजा आ गया, इसमें भी सेम वही फंडा अपनाना है, जो ये नीचे में क्वेश्चन है उसको हो बहु लिख देना वहां पर, तो लॉग एक्स प्लस इस क्वेश्चन को हो बहु यहाँ उतार, भैया जी ये बात है, चलिए चलिए हम तो उतार। अच्छा छोटे आप बताओगे, हाँ भैया पूछिए ना, अगर भैया एक काम कर सकते हैं क्या हम, जैसे यहाँ पर इस नीचे वाले टर्म को एक्स में जोड़ दिए थे, यहाँ पर इस टर्म को भी एक्स में जोड़ दिए थे, क्या यहाँ पर भी इस टर्म को एक्स में जोड़ देंगे, खान लाल कर दिया जाएगा आपका, ऐसा नहीं करना आपको, तो यहाँ पर क्या करना है वो ध्यान पूर्वक समझो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस के टर्म को ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था रूट के अंदर में, यहाँ पर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आगे आ चुका है, ये ए स्क्वायर जो जब आगे आता है ना तो काफी कंफ्यूजन लेके आता है, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स आता है, साइन इनवर्स क्या होगा भैया जी, एक्स बाय ए ठीक प्लस सी होगा, वाह ये तो भैया जी हुआ, लेकिन एक चीज और भैया जी, ये चीज नीचे में है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्या उसका भी कुछ फॉर्मूला है, बस तीन फॉर्मूला मैं और लिखाऊंगा, फिर ये सब मोह माया इसको छोड़ करके हम लोग संत योगी बनने के लिए निकल पड़ेंगे उस राह पे। ध्यान ध्यान दो, इसको ऊपर ले जाते हैं, चलिए भैया ऊपर लेके चलते हैं, तो क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक इसको भी ऊपर लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इसको भी ऊपर लेके चलते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलिए अब यहाँ पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए भैया जी, कुछ समझाइए सब में, सुन लो एक बात सब में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे क्या, एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, आप कहेंगे तो हम ना करेंगे, एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई कर, अब क्या करें, जो क्वेश्चन है ना सब में क्वेश्चन को उतार डाल, ठीक यहाँ पर ये क्वेश्चन था क्वेश्चन को उतार दिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये क्वेश्चन था इसको यहाँ उतार दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये क्वेश्चन था इसको यहाँ उतार दिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भैया जी कर लो, अब क्या करें, अब आप सारा ध्यान ए स्क्वायर के ऊपर लेके चलो, ठीक भैया जी। अच्छा भैया जी सब ध्यान मेरा ए स्क्वायर के ऊपर आ गया, क्या करें ए स्क्वायर के ऊपर आया तो, देखो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है ना, हाँ जी भैया यहाँ पर तो माइनस ए स्क्वायर है, ध्यान से समझना ये जो माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पर लिखना है माइनस ए स्क्वायर बटे दो, ओके
यहाँ पर क्या है प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बटे दो, यहाँ पर क्या है प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बटे दो, सब में वही कर दिए। अब जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला वहां पर ले दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या फॉर्मूला था, सिंपल था भैया जी, जो लॉग के अंदर रहेगा एक्स में जोड़ देना है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जोड़ देना है, तो लिखो वहां पे हूबहू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जुट गया प्लस सी। कितना आसान है फॉर्मूला भैया जी, देख करके तो बहुत भारी लग रहा है, मन कर रहा है सब छोड़ छाड़ दे, आज से मैथ मेरी जिंदगी में मैथ ना आए कभी ऐसा ना सोचो, ठीक, बस छोटा मोटा नहीं आएगा समझ में कोई बात नहीं, ये दो बार पढ़ना डेली पढ़ना एक एक बार याद हो जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा वही फंडा करना है, कहा करेंगे भैया जी को समझाइए तो सही, इसको जोड़ना है एक्स में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन जैसे ही ए स्क्वायर आगे आता है तो अपने साथ बहुत सारा अपवाद साथ में लाता है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर आगे था वो भी रूट अंडर में, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए आया था, तो यहाँ पर भी आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए आएगा प्लस सी होगा, ठीक, लेकिन हाँ रूट में रहेगा तभी, जब रूट में नहीं रहेगा तो ये फंडा आएगा, बस इसको सबको अच्छे से रखो, ठीक। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक से मतलब क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट करें, हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक, तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चन बैंक से कुछ कर ले, चलिए इसको करेंगे, और कुछ करना है पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक से ही कर ले क्या भैया जी, क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चन रहा तो पहले उसी को स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक बात हम सोच रहे हैं क्या, बोलिए भैया, हम जो है ना कुछ फॉर्मूला रिवीजन करवा दे तो वो अच्छा रहेगा आपकी, वरना क्वेश्चन ही स्टार्ट कर देते हैं, क्या क्या किया जाए भैया जी, पहले तो हम क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला देख करके पहले ही हम लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान ना होना है, अभी तो कुछ और फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूला अब नहीं, बस इसको ध्यान में रखो, हम लोग चलते हैं आगे, पहले रिविजन करेंगे फॉर्मूला का, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आज क्वेश्चन बैंक से भी बहुत सारा क्वेश्चन कम्प्लीट करना है, ठीक है, चल इसको मिटा दे, हाँ भैया मिटाइए, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आज सारे क्वेश्चन को कर डालेंगे, इसलिए घबराइयो मत, ठीक है, घबराना नहीं है, चलो मिटा दे, एक बार ध्यान रखो भाई, मुसीबत देख करके कभी घबराना नहीं, समझ गया ना, ये मुसीबत नहीं है, भारी लगता है कोई नहीं, पर डे खाली एक बार पढ़ना है और समझना है, बस हल्का हो गया फॉर्मूले वगैरह लिख लो, जितना फॉर्मूला है सबको डेली बस एक बार पढ़ो, कितना दिन मेहनत करना है, बस एक महीने ही मेहनत करना है आपको, एक महीना मेहनत करो, समझ रहे हो, एक महीने मेहनत करो, अच्छा एग्जाम जाएगा, एक महीने में अगर इंटीग्रेशन किसी तरह कंप्लीट हो जाए, इंटीग्रेशन बन जाए तो एग्जाम बढ़िया जाने वाला है, परेशान ना होना, ठीक है, हाँ बस मेहनत जितना मेहनत कर सकते हो आप, समय कम है मुझे पता है, आपको भी पता है कि आई बुद्धि लेकिन देर से आई, देखिए मेहनत तो आपको ही करना है ना, मैं तो मेहनत नहीं कर सकता आपके साथ, बस मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ, चलो इसको बना लो, लेकिन बनाने का काम तो आप करोगे ना, और अपने हाथ में जो आपका जो हाथ इसमें गति ला मोशन, हाँ भैया जी मोशन तो लाएंगे, अब यहाँ ध्यान दो, अब मुझे बताओगे, अब 10 मिनट सब भूल जा, 10 मिनट के लिए सब भूल जाओ, एकदम माइंड फ्री रखो, लंबी सांस लो, माइंड फ्री, नींद उन्द जो आ रहा है पानी नहीं पी लो, हाँ भैया जी नींद तो बहुत आ रहा है, सो रहे हैं हम, वो सब काम छोड़ो, पानी नहीं पी लो, थोड़ा फ्रेश नहीं होना है, बस पानी नहीं पी लेना, बस हो गया, अब यहाँ ध्यान दो, चलो हम लोग अब सारे फॉर्मूले को रिवीजन करने वाले हैं, आप बताओगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस sec x into tan x plus tan x minus cot x plus log x, सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इसे घबराना मत, माइनस e पर पावर x, पहले इस सब को बनाओ, कोशिश करो एक ही लाइन में सिर्फ इसका किसका फॉर्मूला होगा बस वो सोचना है आपको, सिंपल सा जो फॉर्मूला होने वाला है वो सोचो, ठीक भैया जी, भैया जी यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो फॉर्मूला लग जाएगा x पे पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, वाह बिल्कुल समझदार हो रहे हो आप, अगर यहाँ पर क्या है sec x into tan x, हम लोग डिफरेंशिएट में पढ़े थे कि sec x का डिफरेंशिएट होता था sec x into tan x, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा sec x into tan x का, तो sec x हो जाएगा, यहाँ भैया जी tan x है, हम लोग जानते हैं भैया बिजनेस माइंडेड से कि साइन और कॉस को छोड़ करके बाकी सब तो लॉग में होता है, टैन भी लॉग में होगा, log sec x, cot x का क्या सीन है, log sin x, log x का 1 बटे x, e पर पावर x का e पर पावर x, बिल्कुल सही सोच रहे हो छोटे आप, यहाँ ध्यान दो, कैसे कैसे क्या करोगे, x पावर 2 है तो x की पावर 2 में एक जोड़ेंगे उसी से फिर डिवाइड कर देंगे, माइनस sec x into tan x है तो sec x हो जाएगा, यहाँ c नहीं है इसलिए माइनस लगा, प्लस का प्लस, tan x का क्या होता है sin और cos को छोड़ के बाकी आपका log में रहेगा, log sec x, फिर माइनस का माइनस, cot x का क्या होता भैया जी, log क्या सीन है,
log साइन x, ठीक। अगेन प्लस का प्लस log x का क्या होता है, 1/x, माइनस का माइनस e पर पावर x का e पर पावर x प्लस c, बन गया। क्या था, सिर्फ फॉर्मूले लिखने और कुछ नहीं। अच्छा इसका बनाओगे, आपको बनाओ, कोशिश करो अपने मन से बनाने का, ठीक है। हाँ भैया जी, अपने मन से ही तो बनाते हैं, थोड़े ही मैं आपके मन से बनाते हूँ। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मेरे मन से तो नहीं बनाते हो, ये तो आप अपने मन से बनाते हो ना। ये तो अच्छा लगा सुन करके। और इसी तरह मेहनत किए जाना है, किए जाना है, बस किए जाना है ना जी। हाँ भैया जी, बस मेहनत तो किए जाना है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको बनाइए, हल्दी हल्दी सब, सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहीं कोई एक लाइन में आंसर होने वाला है, अधिक तकलीफ नहीं होगा आपको। सीधा जो फॉर्मूला पढ़े हो उस फॉर्मूले के तहत बिना मेरे मदद का इसका बनाने का प्रयास करो। नहीं जानते हो फॉर्मूला, कॉपी निकालो। चल हाँ, तेरा फॉर्मूला ये था, चलो लिख दिए, तेरा फॉर्मूला ये था, चलो लिख दिए, लेकिन लिखने से पहले दिमाग में बैठा लेना। चलो सोचो तो, तीन आखिर किसका इंटीग्रेशन था भैया जी, हम लोग जानते हैं कि एक का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, एक का इंटीग्रेशन होता है एक्स। अच्छा तीन एक्स, तीन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ तो वन छिपा हुआ, यहाँ वन था तो वन छिपा हुआ था, यहाँ थ्री है तो थ्री एक्स, एक्स में आपका यहाँ थ्री रहेगा, अरे मतलब थ्री एक्स हो जाएगा। सेवन का इंटीग्रेशन करना है तो सेवन एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही, वन का वन एक्स हो रहा है तो थ्री एक्स का थ्री डी एक्स का थ्री एक्स होगा, सेवन का सेवन एक्स होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर थ्री है, थ्री का इंटीग्रेशन थ्री एक्स हो गया, बिल्कुल भैया जी। अगेन आगे देखो, आगे है आपका क्या, सेक एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log के फॉर्म में रहेगा, log sec x plus tan x, बिल्कुल सही। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता, तो a पर पावर x का इंटीग्रेशन होता है, हमको डिवाइड करना होता है log a से। हाँ भैया जी, अगेन माइनस का माइनस sin x का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x, माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ c आ गया, ठीक। फिर प्लस का प्लस, ये किसका है इंटीग्रेशन, मतलब किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए तो नहीं है ना भैया जी, ना 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 ए नहीं है, वैसे भी ए होता तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही फंडा लगता। इसका मतलब क्या करें भैया जी, सिंपल सा आपको क्या करना है, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ। हाँ भैया जी याद सब आ गया, अब क्या करें हम, यहाँ तो रूट नहीं है, रूट का ध्यान में रखना, जैसे रूट आएगा वैसे लॉग आ जाएगा, रूट नहीं है तो लॉग तो आएगा, लेकिन कुछ अपने साथ अजीब हो गरीब समाचार लेके आएगा, मतलब क्या बोल रहे भैया कुछ समझ में ना आ रहा। तो वन बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, मतलब भैया जी अगर वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तुरंत देखे हम लोग, देखे ना याद है कि नहीं रहता है, वन बटे टू ए लॉग x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए था ना, कुछ याद आ रहा आपको। हाँ भैया जी सब याद आ गया। अगेन इसका क्या होगा, वन बटे टू ए लॉग ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स प्लस सी, बस ये आपको ध्यान में रखना है। चलो कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, तीन और फॉर्मूला देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दो फॉर्मूला हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, तीन और क्वेश्चन देखेंगे, बस आज के लिए इतना ही रहेगा, तीन क्वेश्चन और बनाओगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने पढ़ाई की तरफ। दो क्वेश्चन कंप्लीट, चलिए सबसे बड़ी समस्या है आपको फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन ना चल बे, बिना फॉर्मूला के ना चल बे। हाँ जी याद रखना, बिना फॉर्मूला के इंटीग्रेशन ना चलने वाला है, इस बात को पहले दिमाग किसी छोटे से कोने बैठा लो, इसलिए हम लोग फॉर्मूले पे इतना दिमाग दे रहे हैं, मतलब जोर दे रहे हैं। हाँ भैया जी जोर तो दे रहे हैं, ठीक। अगेन आप फॉर्मूला तो लिखिए, बाकी सारी काम को हम कर लेंगे। अगेन वन बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या करें भैया जी, ये तो नया ही कुछ आ गया। अरे क्यों घबरा रहे हो, जब भैया जी आपके साथ है तो घबराने से क्या होगा, कुछ ना होगा घबराने से, ठीक है। भैया जी एक बात बताइए, इतना सारा लिख देते हैं आप, तो पता है आपको हमें फॉर्मूला याद नहीं किए हैं, सिर्फ हम फॉर्मूला कॉपी निकाल के बैठ गए हैं और बना रहे हैं, इतना सबसे घटिया काम कर रहे हैं आप, फॉर्मूला कॉपी निकाल के बैठ के बना रहे। अरे नहीं जाने को, नहीं जानोगे फॉर्मूला कॉपी निकालना और देखना और उसी वक्त पांच बार पढ़ के याद करना फिर अपने मन से बनाना। मैं आज सबसे सिर्फ एक ही एम है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला याद होगा सारा सवाल खुद ब खुद बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, समझ रहे हो। हाँ जी यहाँ ध्यान दो, वन बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में रूट आ गया, मतलब स्टार्टिंग होगा आपका लॉग से, लॉग लेते आए, लेकिन पता है
लॉग तब ही लगेगा जब ए स्क्वायर आगे ना हो। जैसे ही ए स्क्वायर आगे होता तो ये इस फॉर्मूले का याद दिलाता, याद है 1 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता। यहाँ 1 है तो बटे 1 छिपा हुआ रहता है, सेम वही फंडा यहाँ पर, 1 के जगह पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन इनवर्स आ जाएगा। मैं आपको जोड़ने की सिखा रहा हूँ किस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 1 है, 1 को हम ऑल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब यहाँ ए है, यहाँ 1 है, ए है, 1 है, तो जहां पर 1 है वहां पर ए आएगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स बाय ए होगा। ये आपका इससे एक नया क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसे दिमाग में बैठा लेना इसको। अगेन प्लस का प्लस, एक्स की पावर 7 है, 7 में एक जोड़ो और उसे डिवाइड करो, 7 में एक जोड़े 8 और 8 से डिवाइड कर दो, माइनस का माइनस, फिर 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, प्लस का प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, या जी log sec x plus tan x, फिर माइनस का माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod sec x plus c, हो गया। बस यही काम था, इतना प्यारा प्यारा सा काम है। चौथा क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट, इसके बाद हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन देखने वाले, पता है ना आपको? हाँ भैया जी, सब कुछ पता है हमको। अगेन cosec x into quad x minus 1 बटे root under x square minus a square plus 1 बटे x square plus x square minus a square minus root under a square minus x square, इसका क्या होता है? हल्दी हल्दी बताया जाए, इसका इंटीग्रेशन खुद बनाओ। मैंने बताया ना, मेहनत आपको करना है, आपकी मेहनत यहाँ पर दिखाएगी कि आप आखिर किस प्रकार इंटीग्रेशन को आप कंप्लीट कर सकते हो। मेहनत करोगे जल्दी आप सीखोगे, मेहनत नहीं करोगे फिर वही बात है, बिना फॉर्मूले का, बिना हथियार का आप जाओगे युद्ध करने के लिए, टैन हो जाओगे, दुश्मन नहीं आप खुद। याद रखना, हथियार तो पहले स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, फॉर्मूले को दिमाग में रखोगे तब ना आगे इंटीग्रेशन से लड़ पाओगे। मेरी बातों को समझो, फॉर्मूले को याद करो जितना हो सके, फॉर्मूले को दिमाग बैठा, और फॉर्मूला याद करने से याद नहीं होगा, बस बनाने से याद होगा। सोचो cosec x into cot x किसका फॉर्मूला है, याद नहीं आ रहा, जैसे आप देखोगे आंसर तो पहले 10 से 15 बार पढ़ोगे उसको, पढ़ने का फिर अगर ये आपका आया इंटीग्रेशन तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए, हाँ वहां पर ऐसा पढ़े थे। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस जस्ट चिल, समझ रहे हो ना, बस 10 से 15 बार पढ़ लिए, हाँ फिर बना लेंगे, याद नहीं है 10 से 15 बार पढ़ेंगे फिर बना। एक बार याद रखना, समय नहीं है, बस ये सोच के चलना है आपको, मतलब ऐसा नहीं पढ़ रहे ना, चल गाड़ी चल रहा है, अरे कोई बात नहीं, समय बहुत है, वो काम नहीं, समय नहीं है, समय सोचो कि नहीं है आपके पास, इस अनुसार आपको पढ़ाई करना है, जल्दी जल्दी स्पीड लाना है आपके अंदर। ऐसा नहीं बस मोबाइल में बैठ के थोड़ा रील देख लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, समय तो बहुत है ना, वो सब काम नहीं करना, ऐसा आ रहा है मेरे कान में वो काम नहीं करना है, ठीक। मूवी सबसे अभी दूर रहो, समय रहेगा एग्जाम दे दो, फिर मूवी सब चलते रहेगा छोटे, वो सब तो है नहीं ना। यहाँ ध्यान, cosec x into cot x कुछ दिमाग में आ रहा भैया जी, का दिमाग में आएगा, दिमाग में ना आ रहा, रे रे रे, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, यहाँ सी आया तो माइनस लगेगा, माइनस cosec x, फिर माइनस का यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, ये फॉर्मूला किसका है, यहाँ दिख रहा है रूट के अंदर, तो भैया वो सब तो ना होगा, बिना रूट वाला खत्म, दिमाग खत्म कर दो उसके ऊपर से। अब रूट अंडर है तो क्या होगा भैया जी, नीचे है रूट अंडर, ऊपर तो ना है, ना है तो नीचे है क्या, ए स्क्वायर आगे में नहीं है, मतलब साइन वाला तो नहीं होगा, सब फॉर्मूला होगा सिंपल सा, क्वेश्चन लिखने वाला लॉग, इसको जोड़ना है घटाना है, जोड़ देना है एक्स में, एक्स में जोड़ देंगे नीचे वाले, बस यही तो है फॉर्मूला, और का अगर ए स्क्वायर आगे में नहीं आएगा तो साइन का फॉर्म नहीं होगा, सिंपल सा नीचे वाले को एक्स में जोड़ देना है बस, अरे यही था क्या है तुम, हाँ फिर प्लस, यहाँ तो रूट अंडर नहीं, ना 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 ना, जब रूट अंडर नहीं है तब क्या करना है, 1 बाय 2 ए से मल्टीप्लाई करना, फिर लॉग लिखना, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, मतलब एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए करते हैं ना, सेम वही बात यहाँ पर करेंगे, एक्स माइनस ए ऊपर आएगा और एक्स माइनस एक्स प्लस ए नीचे आएगा, खान थमा, इसका हो गया इंटीग्रेशन। अगेन माइनस का माइनस, ये तो भैया फॉर्मूला अभी तो आप लिखा है, और बोलिए आप बोल रहे हैं बिना देखे बनाने के लिए, अरे मैं कह रहा हूँ देखो लेकिन याद कर। अब देखो यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कहा कर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्स बाय टू में लिख लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे, अरे प्यार से क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाय टू लिख लेंगे, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर जब आगे रहता है ना रूट के अंदर में तो वो साइन में चल जाता है, याद रखना साइन में चल जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी हो गया। चलिए कितना आसान आसान चलाता है, अठाइए इतना आसान आसान चलिएगा, इसको पोस्ट में घेरो, क्यों इसका इंटीग्रेशन ये पूरा है माइनस बाहर में, दिमाग चला के रखना है वरना एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
इतना मेहनत नहीं करना पड़ता मुझे अगर आप फॉर्मूले को याद कर लेते तो। लेकिन फॉर्मूला तो याद बिना किए आगे मैं बढ़ नहीं सकता, हमारी भी कुछ जंजीरें हैं। हाँ जी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इसको हटाते हैं, बिना फॉर्मूला के आगे हम लोग सीख ही नहीं सकते, ठीक। और फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ छोटे, फॉर्मूला किसी की तरह क्लियर करो, जीवन दायिनी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए। काल ऐसा ही मंत्र मेरे पास रहता, एक फूंक मारा जाता और आपके दिमाग में सारी विद्याएं समाहित हो जाती, कितना मजा आता। हाँ जी, काश काश ऐसा होता। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना समय हुआ जो, अरे रे 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 रे, हम लोग फॉर्मूले के पीछे ही साइंस में लगता है दे देंगे, बाकी पढ़ेंगे क्या? अरे फॉर्मूला याद होगा तभी कुछ पढ़ पाओगे, समझ रहे हो ना, बिना फॉर्मूले के कुछ ना, ध्यान में रखना। चल, वन बटे रूट अंडर, अरे ये को एक कम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस लॉग एक्स, लॉग एक्स तो मैंने नहीं सिखाया ना, मैंने भी नहीं सिखाया, वन बटे एक्स, ठीक, हम लोग वन बटे एक्स देखे, माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, e पावर x प्लस एक्स पावर टू प्लस थ्री, एक लास्ट छोड़ो, चलो इसको बनाओ। सर फॉर्मूले पर डिसाइड, हम लोग जानते हैं वन बाय एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, पता है आपको, माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वन बटे एक्स, पहले मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ बनाओ, जल्दी बनाओ, पहले इसका हम लोग को पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रेशन कुछ बताओ, पहली बात यहाँ रूट नहीं है, रूट रहेगा तब साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा, जब रूट ही नहीं है तो कहाँ करेगा यहाँ पर, अरे कहाँ करोगे, कुछ ना करोगे, वन बाय टू ए लिखोगे, लिख दिए भैया जी, फिर क्या करना है, फिर लॉग लिखोगे, लिख दिए भैया जी, फिर एक बार ए प्लस एक्स करना है, फिर ए माइनस एक्स करना है, हो गया आपका। चल यहाँ माइनस टू माइनस लिख दिए, वन बाय एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग मोड एक्स, हो गया, प्लस का प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, आपका होता है वन बाय एक्स होता है, अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, सिंपल सा, फिर माइनस टू माइनस, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर, सबसे भला मानुस कोई है तो ई पर पावर एक्स ही है, जो आराम से हम ना चेंज होंगे, ना बिखरेंगे, ना टूटेंगे, ऐसे का वैसे रहेंगे, प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक्स पर पावर तीन बटे तीन, प्लस का प्लस, तीन का इंटीग्रेशन थ्री एक्स प्लस। चलो आपका मिल गया होगा, हाँ भैया जी, गले भी मिल रहे होंगे आप अपने आप से, भैया जी पांचों का पांचों सही होगा आपका, तो जरूर आप उछल कूद के उछलोगे उछलोगे, क्योंकि सब तो फॉर्मूला नहीं है ना, हाँ भैया जी सब तो फॉर्मूला ही। चलो अब थोड़ा सा आपको माइंड फ्रेश करना है तो कर सकते हो, क्योंकि अब आगे बढ़ने वाले हैं, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले लो, और पानी पीना है तो बगल में बोतल रखा हुआ है, मतलब आप भी आगे में पानी पी सकते हो, फिर और कुछ करना है भैया जी, और क्या करें, कुछ बताइए जो कर सकते हैं। हाँ आप इंस्टाग्राम निकाल के देखो, धांस लाल कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम कर रहे हो, मैं आता हूँ मैं आता हूँ, आपको थोड़ा समय, आपको वक्त देता हूँ माइंड शांत रखने का, और मैं भी पानी पी के आता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। हाँ भैया जाइए ना, पानी उन्हें पीजिए आराम से, हौले हौले। चलो जी, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, कुछ क्वेश्चन बैंक से अपने क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का सीखे थे, कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, अगर पावर फोर रहे, पावर फाइव रहे, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है अक्सर। अरे मैंने देखा, मैं अपने क्वेश्चन बैंक को निहार रहा हूँ, तो काफी कुछ क्वेश्चन दिख रहा। चलो आज क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्या पहले लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, क्या छोटे, 2014 में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, वैसे मेरे पास कुछ सारा का सारा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन है पास में। चल 2014 क्वेश्चन ये पूछा गया था, ई पर पावर टेन इनवर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूछा गया था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ भैया जी ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अच्छा होता हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते, आपका समय भी जा रहा है, अच्छा अगले बार से कोशिश करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले लिख लें, लेकिन ना अभी चलो, अभी जब लिख दिए तो लिख दिए, हाँ जी ध्यान दो। अब इसमें सोचो तनिक कि ऐसा क्या करें जो इसका इंटीग्रेशन हो जाए, क्या आपके दिमाग की बत्ती चल रही है, आप क्या सोचोगे, भैया यहाँ पर पावर ई पर पावर टेन इनवर्स एक्स है बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोई फॉर्मूला में नहीं यार, अब क्या करें, बगल में तो पीटा भी नहीं जो अपना सर फोड़ सके, यहाँ टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है भैया,
टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/1 + x²। हाँ होता तो है, तो उससे क्या करें? हाँ भैया, जरा टेन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेंगे ऐसा कि आप सिखाए हैं तो ये बन जाएगा। अरे रे भैया, भैया देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या ध्यान दो आप, हम लोग अगर टेन इनवर्स एक्स को कुछ मान लें तो क्या मानना है? माना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। हाँ, स्पीड लॉ ऑफ लेंथ, जितना स्पीड आप लिख सकते हो। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया जी? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/1 + x²। अब इधर dx तो इधर dt दो। हाँ भैया जी समझ में आ गया। अगेन यहाँ पर हम लोग क्या क्या माने, ध्यान पूर्वक समझना। जितना एक्स सब को हटा देना है तो हम लोग टेन इनवर्स एक्स को माने थे, क्या माने थे? टी माने थे, तो टी लिख दिए। फिर 1/, मतलब ये सब आपका आ गया किसमें? dt में आ गया। ध्यान दो dx है, dx है, 1 + x² है, 1 तो छिपा हुआ है, ये dt के बराबर। इस सब को हम लोग dt लिख देते हैं। चलिए काम खत्म। इसका हम लोग को पता है भैया जी क्या होगा? भैया जी इतना बच्चा बच्ची पूछेगा e पावर t का इंटीग्रेशन, e पर पावर t ही होता है, लेकिन t का मान हम लोग पुट करेंगे तब ना। t का मान क्या था? tan इनवर्स x e पर पावर tan इनवर्स x प्लस c। भैया जी ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, बताइए इतना हल्का। एक काम करना, इसको बीच में कर लेना। अब तो लंबा करना होगा ना, इतना हल्का भी बन गया, बताओ। भैया जी क्या करें, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दे, ध्यान से देखो, मिटा दे। अच्छा एक क्वेश्चन बनाओगे तो, एक क्वेश्चन बनाओगे ठीक है? आप हर बार तो देते बनाने के लिए, कुछ इस पर दीजिए बनाने के लिए। पावर एक्स के फॉर्म में ये है, 1/x² है, बनाओगे, देखो कोशिश करोगे तो बनेगा आराम से। टेन इनवर्स एक्स को मानोगे, दिमाग चलेगी आप। हाँ जी ये कोशिश करोगे इसको बनाने का, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर समझ में नहीं आता तो जितना बनाओ, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि मेहनत के डर से भाग जाए। हाँ जी और कुछ नहीं, चलो यहाँ ध्यान दो। e पर पावर माइनस e पर पावर कॉस इनवर्स एक्स बटे √√1 - x² dx। एक दो तीन, अरे दो क्वेश्चन और ले लो भैया जी, इतना क्वेश्चन दे रहे बनाने, करे करे तो करे क्या, इंटीग्रेशन बोलता है मेहनत, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत आपको करना होगा, लेकिन समय आप किस प्रकार दोगे? मैं ये कहता हूं कि आप इतना ना स्पीड बनाओ, इतना स्पीड। चलो कोई नहीं, समय मैं भी समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी को, ठीक। यही मेहनत आपको 5 महीने पहले से स्टार्ट करना था, हमारे पास काफी समय होता, लेकिन उस वक्त आपका ध्यान इसके पीछे नहीं आया, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, नहीं आपकी सोच की। क्या ध्यान दो, e पर पावर साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक, हाँ एक सेक कर देते हैं, सेक इनवर्स एक्स। चल एक और देते, 5 बना लोगे? हाँ भैया दीजिए ना, आज बस हम मजे में है भैया, जितना दे सकते हो आप तो कोई नहीं हो ना, तो हम तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं भैया जी, इतना बनाए, इतना बनाए कि क्या सीख जाओ अच्छे से। चलो ये एक्शन ही, चलो बस हल्दी हल्दी बनाना है, सब इसी मेथड पे बनने वाला है। इस तरह क्वेश्चन पूछता आपके एग्जाम में, अगर आप बनाने सीख जाओगे हर एक चीज को, अपना दिमाग, अपना सैतानी दिमाग इस्तेमाल करके, तो आराम से बनेगा। अरे भाई कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, मतलब यहाँ साइन इनवर्स एक्स आ गया, क्या करोगे आप? रो दोगे, यहाँ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, टी मानोगे, फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/√√1 - x² होता है, यहाँ dx इक्वल टू dt आ गया, आराम से क्या करोगे, इस सब का मान जो है आपका dt आ गया और साइन इनवर्स एक्स का मान आपका टी आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e पर पावर टी ही हो जाएगा प्लस सी, हो गया बल्ले बल्ले। टी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स बन गया, कितना हल्का। इसी तरह सारा बनाओगे, ये मीट गया, अरे कुछ नहीं मीटा तो क्या हुआ, चल बना, चलिए बना, हम लोग उस पर आते हैं, बन गया होगा सारा, बनाओ अभी तुरंत, और कल के भरोसे ना छोड़ना है आपको, अरे घर से बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं जल्दी बनाओ। चल याद कर, आज तारीख हो गया आपका 22-23, अच्छा जी समय बहुत कम है आपका, याद रखना ठीक है। हम लोग बस 5 दिन और देखेंगे, उसके बाद फ्री, सिर्फ क्वेश्चन बैंक चलेगा, सिर्फ 1-4 क्वेश्चन बैंक, कोई एक्स्ट्रा चीज जहां तक पड़े वहीं पे विराम कर देना आपको, सिर्फ क्वेश्चन बैंक में रिवीजन करना है, उसके बाद रिवीजन के अलावा कुछ ना, सिर्फ रिवीजन चलेगा और कुछ ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ने चक्कर में पीछे का रिवीजन, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस सब करना होता है ना, जितना पढ़े वही उतना पढ़े, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक। चल sec² log x / x
इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या किया जाए भैया जी, इसमें कुछ ऐसा है जिसको मानने के बाद, जिसको मानने के बाद हमारा जिंदगी अच्छे से कट जाए, ऐसा कुछ है भैया जी? sec स्क्वायर किसको मानेंगे, x तो है नहीं, अगर log x को मानते हैं तो नीचे x, log x का डिफरेंशिएट 1 / x होता, बन तो गया, माना कि इसको इधर लिखो क्या है sec स्क्वायर log x / x dx, मान लेंगे यहां पर ला 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 ला, माना कि log x बराबर t, log x को t मान ली, चलिए इसका डिफरेंशिएट कर लेते दोनों तरफ अवकलन करने, अवकलन कर लेते हैं, log x का क्या होता है भैया जी, 1 / x हो गया, यहाँ dx हो गया, t का क्या होता है dt हो गया, काम तमाम? हाँ भैया जी काम तमाम, तो dx / x ये टर्म यूं इसको ऐसे लिख देना है, इसको हम लोग dt मान सकते हैं, हाँ भैया जी बस यही था, अरे हाँ यही था, ऊपर में क्या बचा sec स्क्वायर log x को t माने, यहाँ t हो गया, ये सब खत्म होकर dt बन गया, यहां तक देखो, अगर यहां तक आप कर पा रहे हो ना तो समझ लो आप इंटीग्रेशन इस प्रकार के इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या होता है sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन भैया जी, हम जानत है sec स्क्वायर x का क्या होता है, सोचो क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, हम आपके लिए रुके हुए हैं, अपने दिमाग को फैलाओ, उस छोटे से दिमाग में से ये बात बताओ कि sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे जल्दी बताओ, अब t का मान पुट करना है, क्या होगा log x, तो tan log x plus c, बन गया, यही काम इतना सा है, तीन चार लाइन का काम होता, अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा इसको बीच में बना देना, ठीक है, चलो काम खत्म। हाँ जी भैया जी, और दो चार क्वेश्चन लीजिए, फिर उसके बाद बताइएगा साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, टेन स्क्वायर x, सारा स्क्वायर क्यूब सब बताइएगा, ठीक है, पहले हम लोग काम खत्म है। अच्छा पहले सीखिए दो, मतलब क्वेश्चन बहुत पूरा पूछा भी गया है, पूछा गया है तो बताइए भैया जी, इसे बताओ, इस पर कुछ क्वेश्चन बना था, छोड़ क्वेश्चन जो पूछा था वो सब लोग कैसे ध्यान से समझना है, अगर आ गया cos qx dx तो कैसे बनाओगे, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x का, क्या जानते हैं भैया जी, अच्छा इसका बना के दिखाओ तो हम लोग आगे बनाएंगे, cos स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, हल्दी हल्दी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बन गया cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, हाँ भैया बन गया, कैसे बना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया जी, हम लोग दो फॉर्मूला देखे थे कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, याद है कि नहीं याद है, यदि याद है, कैसे याद है, ध्यान से समझो, हम लोग जानते थे कॉस टू एक्स बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस टू एक्स एक और फॉर्मूला हुआ करता था कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहां से क्या करते थे इसको इधर लेके आए, तो क्या हो गया इसको इधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, 1 माइनस कॉस 2 एक्स, यहां से साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता था 1 माइनस कॉस 2 एक्स बटे 2, हाँ भैया जी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2 एक्स बटे 2 हुआ करता, अगेन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता भैया जी, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमको पता है, क्या करते थे तो यहां से अकेला करना था, इस वन को इधर लेते आओ, तो क्या हो गया कॉस 2 एक्स, अच्छे से लिखो अच्छे से, एकदम राइटिंग बैठा करके, दांत लाल कर दिया जाएगा भी आपका, मतलब 1 प्लस cos 2x में 2 से डिवाइड कर देंगे, और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं 2500 साल पहले से कि साइन में बीच में माइनस आएगा और cos में प्लस रहेगा, देखते भी आ रहे हैं, हाँ भैया जी बस वही फंडा चलने वाला है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस cos स्क्वायर x की जगह पर ये पुट करेंगे 1 प्लस cos 2x बटे 2, तो पुट करो क्या होगा 1 प्लस cos 2x बटे 2, यहाँ पर लिख दो क्या cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बटे 2, अब इसको सॉल्व करो, इतना हलवा हलवा चीज है, सॉल्व करो इसको हल्दी से, अब देखो इसको अलग अलग करना है, 1 / 2 अलग हो गया प्लस cos 2x बटे 2 अलग हो गया, हाँ भैया जी ये सब तो अलग हो गया, फिर 1 / 2 का dx के साथ, 1 / 2 का dx के साथ, 1 / 2 कांस्टेंट था तो भैया बाहर निकाल दिए इसको, फिर बचा dx बचा, फिर प्लस का प्लस, फिर इसमें 1 / 2 बाहर निकाल दिए, बचा क्या cos 2x, समझ में नहीं आएगा तो 1 / 2 अंदर लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप बाहर निकालना, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा, वरना यहीं पर आप 1 / 2 बाहर निकाल लो और 1 और फिर प्लस cos 2x को अलग अलग कर लो, ठीक, यहाँ ध्यान दो, अब क्या करें हम लोग,
dx का इंटीग्रेशन होता है x, 1 by 2 गुना x, तो x by 2 हो गया। हाँ भैया जी, अरे अच्छे से करो, नहीं समझ में आ रहा। देखिए 1 by 2 है तो 1 by 2 लिख दी, या गुना लिख दी, dx का इंटीग्रेशन x होता है, चलो प्लस का प्लस किए, ठीक। अगेन 1 by 2 है तो 1 by 2 लिखिए, गुना cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, लेकिन यहाँ 2x है तो 2 से भाग भी करना होगा, एंड डिफरेंशिएशन में गुना करते थे, यहाँ भाग करते हैं, ठीक। चलो प्लस सी, यहाँ पर आपका x by 2 प्लस साइन 2x ऊपर पे 44 प्लस सी बन गया, क्या ही करना था, हलवा हलवा चीज। अच्छा भैया एक काम हमको ये बताइए, cos qx को कैसे करेंगे, हम तो जान गए cos square x रहेगा तो फॉर्मूला लगा के बना लेना, sin square x रहेगा तो फॉर्मूला लगा के बना लेना है, अगेन cos q रहेगा तो क्या करेंगे, cos q का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या। अच्छा सोचो तरीके अपना बिजनेस माइंडेड यूज करो तो क्या करोगे आप, तो भैया हम एक काम कर सकते हैं, मतलब आप सोचोगे मन में एक काम भैया कर सकते हैं, वहाँ cos q है, हम जानते हैं cos square x का फॉर्मूला, क्यों ना भैया इसको cos square x में अकेला कर ले और cos x अलग से दे दी, मतलब कैसे, अगर दो क्यू रहेगा तो हम लोग बोल सकते भैया दो स्क्वायर और गुना दो, दो क्यू ही ना होगा, अरे छोटे आप तो समझदार हो, हाँ बिल्कुल भैया जी, मतलब कैसे कर रहे हो, मतलब भैया दो गुना दो अगर है यहाँ पर, हम लोग बोल सकते हैं दो गुना दो मतलब चार गुना दो बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, तो दुनिया चार, चार गुना दो आप बोल सकते हो, वही बात वहां पर की cos क्यूब एक्स था, अपना शैतानी दिमाग लगा हो गया, और यहाँ cos स्क्वायर एक्स हो गया, उसमें cos एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा करने से क्या फायदा, ऐसा करने से एक फायदा हो सकता, वो क्या भैया जी, अगर हम लोग cos x को कुछ माने तो मेरा कुछ ना होने वाला, अगर सोचेंगे हम लोग भैया जी, अगर इसको सोचना यही मेरा इंटीग्रेशन है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपके जगह पर मैं रह के जा रहा हूँ सोच रहा हूँ, वरना तो तुरंत बनने का बना दूंगा, ठीक, लेकिन आप क्या क्या सोच सकते हो उसको समझना, आप क्या सोचोगे भैया, अगर cos x को हम लोग t मान लेते तो क्या होगा, cos x को t मानेंगे तो क्या क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, लेकिन भैया जी एक बात, इसमें तो माइनस साइन एक्स है ही नहीं कहीं, एक काम करें भैया जी, क्या अगर cos स्क्वायर एक्स को हम साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इस cos स्क्वायर एक्स को, हाँ कर सकते हैं, कर ही देते हैं भैया जी, क्या होगा, तो भैया जी cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लगा दिए यहाँ पर, अगर जानते हो ना ये तीन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये तीनों याद रखना, अगर cos स्क्वायर एक्स को भैया ये लिख लिए बिजनेस माइंडेड, अगर यहाँ cos x है तो cos x लिख लिए और dx, अब यहाँ cos x को मानेंगे भी ना तो ये आ रहा, मतलब इसके जगह पर dt पुट करना होगा जो कि दिक्कत होगा सॉल्व करने में, अगर sin x को मान लेंगे तो क्या होगा, अगर sin x को भैया जी कुछ मान लेंगे, देखो अगर यहाँ पर आप यही दिमाग यहाँ लगाओगे, बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो आप, हम लोग क्या करेंगे cos क्यूब एक्स को cos स्क्वायर एक्स और cos x में तोड़ देंगे, तोड़ दिए, फिर क्या करेंगे, ये काम खत्म, उसके बाद हम लोग cos x को मतलब sin x को कुछ मान लेंगे, अरे ये लाइन तो लिखो, cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ भैया जी यहाँ cos x था तो cos x लिख लिया और dx लिख लिया, अब हम लोग जो है sin x को कुछ मानते हैं, माना कि sin x बराबर t, अब सोचो इस दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक क्या होगा, माइनस ए cos x इक्वल टू cos x dx इक्वल टू dt, तो cos x dx की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स क्या, साइन एक्स को t माने है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे t स्क्वायर आएगा, यहाँ cos x dx की जगह पे आपका dt आएगा ठीक, अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लो, 1 का dt से अलग कर लेंगे, अरे सिंपल सा ऐसा तो बहुत बना है हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन, x होता है माइनस का माइनस, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, तो t क्यूब बटे 3 हो गया प्लस c, बना दी बन गया, फिर t का मान पुट करना है, अरे यहाँ dt है ना यहाँ t होगा, अब t का मान पुट कर देंगे क्या होगा, sin x माइनस sin क्यूब x बटे 3 प्लस c, चलो एक काम करते हैं, अब ज्यादा हो गया, फिर सुबह उठ करके इसके आगे और क्लास करेंगे, तब जाकर के आपको ये लेक्चर कंप्लीट करना है ठीक, चल आज के लिए इतना ही, नए फेस मोड के साथ करना है ठीक, अच्छा ये पलकें बंद हो रही हैं, जाता है कुछ ज्यादा, हम लोग फिर से वापस आ गए, हम लोग cos सेम वही चीज लिखा हुआ है, और अच्छी बात है ना, cos स्क्वायर एक्स और cos क्यूब एक्स, अच्छा कहीं कोई कंफ्यूजन भी हो रहा क्या, अच्छा सुनो एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं, यही क्या क्या कीजिएगा, रुकिए 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 तरीका, अभी हम लोग जानेंगे
कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर टेन स्क्वायर एक्स, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है अगर सबका स्क्वायर करे तो सब में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ना, एक बार ध्यान में रखना। स्क्वायर से स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, आप क्वेश्चन में उठा के देख लो, स्क्वायर क्यूब या पावर फोर कुछ ऐसा, एक से दो क्वेश्चन आपका हर साल रहेगा ही रहेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, कम नहीं। मतलब अभी तक तो हम लोग देख चुके हैं क्या भैया जी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किस प्रकार निकालते, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार निकलता, इसमें तो बहुत मजा आया और अच्छे से देखे। हाँ जी, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है ना जी, ना कहीं कोई समस्या नहीं है, इसका किस प्रकार निकालते इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को ना। साइन एक्स कॉस एक्स सिर्फ यही दो बंदा है जिसमें लॉग नहीं लगता, बाकी चारों के साथ लॉग लगता है। ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा, बिल्कुल सही। ये सब पहले खुद से बनाओ और सोचो क्या आप या आपको याद है या नहीं है, याद नहीं है तो मेहनत करना, मैं बार बार कर रहा हूं, अब जो होगा वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, इसे मेहनत करो। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी, टेन का रिलेशन किससे था, sec से था, तो log mod sec x plus c। अगेन cot x का क्या सीन है, मतलब sin, log mod sin x plus c। sec x का भैया जी sec x, sec का संबंध टेन से था, टेन का संबंध sec से, तो कहीं ना कहीं टेन और sec का ही फॉर्मूला आने वाला। हाँ जी, तो log mod sec x plus tan x, जहां जहां c रहेगा वहां वहां हम लोग माइनस दे रहे हैं, यहाँ सी एफ माइनस दे रहे हैं। ठीक है, अगेन cosec x का क्या होगा, cosec का रिलेशन cot से होगा, हाँ लेकिन यहाँ पर दोनों जगह सी आ रहा है तो बीच में माइनस लगेगा। ठीक, ये तो सिंपल सा हम लोग जान रहे थे, अगर सब का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स कर दिया जाए, cos स्क्वायर एक्स कर दिया जाए, tan स्क्वायर एक्स, मैं बार बार कह रहा हूं इससे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। साइन स्क्वायर एक्स मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है सब का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसका किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो समझना। अभी मतलब इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर तक देख लेते, फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्यूब और पावर मतलब पावर फोर का देख लेंगे, उसके बाद और कुछ देखना, काफी कुछ देखना है। अगेन sec स्क्वायर एक्स dx रहे तो क्या करना होगा, cosec स्क्वायर एक्स dx रहे तो क्या करना, सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इस दोनों को सॉल्व करने में सिर्फ आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आपको पुट करना है, या जी क्या पुट कर दे तनिक बताइए हमको, अच्छी से बताइए, समझ में आएगा ना। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे सिंपल सा आप पुट कर दोगे वन माइनस कॉस टू एक्स बटे टू। हाँ जी, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आपको पुट करना है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से, कैसे कैसे क्या होता, साइन में माइनस आता कॉस में प्लस, हर चीज में हम लोग देखते हैं। हाँ जी, तो वन प्लस कॉस टू एक्स बटे टू, सिंपल सा ये फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे और आपका बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। ठीक भैया जी, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो हम बना लेंगे, टेन स्क्वायर एक्स के साथ क्या किया जाए, टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स के साथ, तो यहाँ पर आपका फिर से फॉर्मूला टेन और कॉट का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2500 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, कि टेन का रिलेशन sec से हुआ करता था, मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स अकेला करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको इधर ले लो और tan स्क्वायर एक्स को उधर ले लो, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट करेंगे, बिल्कुल सही फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ और फिर किया। दूसरा फॉर्मूला हम लोग cot में क्या जाना थे, कि भैया जी cot को अगर cosec में घटाएंगे cosec स्क्वायर में तो मेरा वन होता था, हमको तो cot स्क्वायर एक्स अकेला करना है, चल इसको उधर भेज दो cot स्क्वायर एक्स को, ये बच्चा इधर आ गया cot स्क्वायर एक्स, और ये जो वन था इधर आ गया, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर ये पुट यहाँ करना है, इंटीग्रेशन करना है, बन जाएगा। और इस cot स्क्वायर एक्स के मतलब cot स्क्वायर एक्स की जगह पर इसको पुट करना है तो बन जाएगा, कितना आसान है। इस दोनों में क्या करना है छोटे भैया जी, इस दोनों में ये तो फॉर्मूला ही हमको पता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, tan x plus c, अगेन cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, हो गया काम तमाम। भैया एक बार फिर से इस दोनों को करके दिखाइए, देखिए बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर पुट कर दिए क्या होगा, वन माइनस कॉस टू एक्स बटे टू इंटू डी एक्स, आराम से इंटीग्रेशन करना, ये भैया बटे टू बराबर की उस पर मतलब बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए, यहाँ पर क्या बचा वन माइनस कॉस टू एक्स, अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है,
हाँ भैया जी, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन बाय टू बाहर रखना है, बाहर दोनों के बाहर करना है, इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट लाए, कंफ्यूजन ना हो आपको। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी? बहुत बना है, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ माइनस तो माइनस, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो भैया जी? साइन एक्स होता, लेकिन एक्स की जगह पे टू एक्स है, तो टू एक्स है, टू से मल्टीप्लाई है तो टू से भाग देना होगा। अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो टू एक्स को टी मानो, याद आ रहा है कुछ? हाँ, वैसे बना सकते हो। चल यहाँ पर काम खत्म, बस यही आपका आंसर हो गया। इस वन बाय टू से दोनों में मल्टीप्लाई करना, इसी कारण ये बड़ी ब्रैकेट दी है। यहाँ पर सतर्क रहना है, आप क्या करोगे, आपकी गलती क्या क्या हो सकती है, आप यहाँ ब्रैकेट नहीं दोगे तो वन बाय टू का मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ होगा, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इस गलती पर ध्यान रखना है आपको। वन बाय टू का मल्टीप्लाई किया, एक्स बाय टू माइनस साइन टू एक्स बटे फोर प्लस सी, देखो बन गया। क्या ही था इसमें, इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स का बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह ये फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस मतलब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस 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 बन गया, हो गया काम तमाम। टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर ये चीज आएगा और इंटीग्रेशन करना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? यहाँ देखिए टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आ गया। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, फिर माइनस वन का अलग कर लेंगे। अरे क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, अच्छा करो कोई बात नहीं, वन इंटू डी एक्स। चलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी? मुझे पता है टेन एक्स होता, आगे माइनस का माइनस, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता, तो एक्स प्लस सी, हो गया काम तमाम। उसी तरह आपको इसका कॉट स्क्वायर एक्स का भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, हाँ भैया जी, ये कंप्लीट हो गया, हाँ भैया जी। अब चलो क्यूब की तरफ, क्यूब के लिए हम लोग अलग सा लेक्चर कर लेते हैं, क्योंकि जो क्यूब वाला सेक्शन है ना, इसमें यू इंटू भी आने वाला है, जैसे डिफरेंशिएट में हुआ करता था उसी तरह यहाँ पर भी यू इंटू भी होगा। इसमें दिमाग खोल के बनाना होता है, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है याद करने का, आई लेट, मतलब हम लेट हो चुके हैं, जैसे आप अभी लेट हो, समझ रहे हो ना, ध्यान में रखना आई लेट। मैं तो लेट हो गया, कोई बात नहीं, इसमें लेट नहीं करना समझने में, समझ रहे हो, मेहनत करना है बस, लगे रहो। चलो नेक्स्ट लेक्चर रिवीजन के साथ उस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। क्या रिवीजन करना? बस वही फॉर्मूला रिवीजन करना। हाँ भैया, तो इसको बंद कर दिया जाए, चलिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग।